तो फाइनली दोस्तों टाटा अल्ट्रोस टेस्टिंग के दौरान देखी गई है सीएनजी के साथ। आप देख सकते हैं इस इमेज में इमिशन टेस्टिंग ये इक्विपमेंट लगा है अल्ट्रोस में। आप देख सकते हैं ये पुणे में टाटा के प्लांट के आसपास टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। तो फाइनल दोस्तों वेट इज ओवर प्रीमियम कैटेगरी में ये सबसे पहले ऐसी कार होगी जिसमें आपको सीएनजी देखने को मिलेगी। मतलब आपको सेफ्टी भी 5 स्टार और माइलेज भी। अल्ट्रोस में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड वही आपको पेट्रोल इंजन मिलने वाला है सीएनजी के साथ, जो कि लगभग 85 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा। हालांकि सीएनजी में ये लगभग 70 PS तक की पावर प्रोड्यूस करने वाला है और ये स्ट्रेट कॉम्पिटिशन आपको आने वाली स्विफ्ट सीएनजी और डिजायर सीएनजी को देने वाली है, क्योंकि सभी ये सब 4 मीटर है लेंथ में। अगर हम सीएनजी सिलेंडर की बात करें तो लगभग आपको इसमें 12 kg का सीएनजी सिलेंडर आपको देखने को मिलने वाला है। 12 किलो सीएनजी सिलेंडर आने के बाद आपको इसमें बहुत अच्छा स्पेस मिलने वाला है बूट स्पेस में, जो कि बहुत बढ़िया है। आप आसानी से इसमें 2-4 बैग आराम से रख सकते हैं। अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको लगभग हाईवे पर 28 to 29 km/kg का माइलेज आपको दिया जाएगा सीएनजी में, और सिटी में लगभग आपको 22 से लेकर 23 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको मिलेगा, जो कि बहुत इकोनॉमिकल होने वाला है। और वैसे भी टाटा अल्ट्रोस एक बहुत सेफ कार है, तो आपको सेफ्टी और माइलेज का कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलने वाला है। अब तो जल्द ही टाटा टियागो और टाटा टिगोर भी सीएनजी के साथ आने वाली है। तो टाटा टियागो और टाटा टिगोर लॉन्च होने के बाद लगभग आपको ये अगले साल यानी 2022 में आपको अल्ट्रोस सीएनजी देखने को मिलने वाले है इंडियन मार्केट में। प्राइसिंग की बात करें तो नॉर्मल आपको जो अल्ट्रोस मिलते हैं पेट्रोल में 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, उससे आपको लगभग 70 to 80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ने वाले हैं सीएनजी के लिए। तो आप भी वेट कर रहे हैं नहीं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना दोस्तों अल्ट्रोस सीएनजी का। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।